हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मिट्री द क्वेरल टेक्स्ट बुक। तो ये एक छोटा सा पोएम है। क्वेरल मतलब झगड़ना, लड़ाई करना, है ना। आपके घर में भी आपके भाई बहनों के बीच में कभी ना कभी तो ऐसे लड़ाई होते होंगे, और ये लड़ाई जो है वो अच्छी चीज़ भी नहीं है ना, पर फिर भी कब कब कभी भी हो जाता है, और कभी तो ऐसा मतलब पता भी नहीं चलता है किस वजह से हम लोग लड़ रहे हैं, है ना। तो चलो इस पोएम में भी देखते हैं क्या लिखा है, और पोएम शुरू करने से पहले हम देखते हैं क्या ऊपर दिया है। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, मतलब ये तो एक कॉमन है, साधारण है, भाई बहनों के बीच में झगड़ना, क्वेरल होना, ये तो सभी घर में होता ही है। ऑल्थो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल, कभी कभी मतलब जब लड़ाई होता है तब पता भी नहीं चलता है कि किस वजह से, किस लिए झगड़ रहे हैं ना हम लोग झगड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, लेकिन ये लास्ट कितना समय तक ये चलता है झगड़ना, हाउ डू दे एंड, कैसे मतलब किस तरह ये ख़त्म होता है एंडिंग। चलो अभी देखते पोएम में क्या दिया है, पोएट ने क्या लिखा है। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वाट अबाउट, वन थिंग लीड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं और मेरा जो भाई है, हम लोग ऐसा क्विरल करना शुरू हो गए थे, झगड़ रहे थे। तो हमें पता भी नहीं था मुझे कि किस वजह से हम लोग झगड़ रहे हैं ना, क्विरल कर रहे, लड़ाई कर रहे। तो वो कह रहा है कि उस वजह से, तो ये जो लीड है, चीज़ है, किस लिए, वो हमें पता नहीं है। हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ना एक दूसरे के, उसकी वजह से ये झगड़ रहा है, वो उसने गलती किया, मैं सही हूँ, वो गलत है, ऐसा इस तरह से मतलब पता भी नहीं है ऐसे किस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो एकदम बाहर आ गए, एकदम लड़ाई जो है, क्वेरल जो है, वो एकदम लंबा चला और बाहर आ गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड He was right, I knew he was wrong. तो स्टार्ट में, शुरुआत में तो एकदम हल्का सा स्लाइड सा हुआ है, फिर एंडिंग में तो एकदम स्ट्रांग हो गया। फिर वो कह रहा है कि वो सही है और मुझे पता है कि वो गलत है, वो रॉन्ग है। We hated one another. हम लोग अभी एक दूसरे से हेट करने लगे, मतलब जब झगड़ना होता है, लड़ाई होता है, तब क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, है ना, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते, ऐसे लड़ाई हो जाता है कभी कभी। तो हम यहाँ पे पोएट जो है कहते हैं कि हम दोनों में कोई बात भी नहीं हो रहा था, हम एक दूसरे पर नफरत कर रहे थे। तो द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, दोपहर के बाद जब ब्लैक हो गया, अंधेरा हो गया, टर्न हुआ, तो देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, सडनली अचानक से मेरा भाई जो है आया मेरे पास और मेरे पीछे आके थपथपाया एंड सेड हो ओ कम अलोंग, हो आओ साथ में, मेरे साथ आओ, वी कांट गो ऑन ऑल राइट ऑल नाइट, तो हम लोग पूरे नाइट ऐसे अकेले नहीं चल पाए, है ना। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, फिर मुझे एहसास हुआ मतलब कि वो रॉन्ग नहीं था, मेरा भाई जो है वो गलत नहीं था, वो राइट था, मैं ही रॉन्ग था, है ना, मैं ही रॉन्ग थी। तो इस वजह से मतलब किस वजह से झगड़ा हुआ वो तो पता नहीं चला, है ना, तो क्या हुआ कि मैं ही रॉन्ग थी और वो सही था, ठीक है, ऐसे हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब क्वेरल भी एंडिंग हो गया क्वेरल का, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आपके घर में भी जब भाई बहनों के बीच में लड़ाई होता है तो आप लोगों के भी एंडिंग हो जाता है ना, सुलह हो जाता है, और सुलह भी कर लेना चाहिए, वैसे तो झगड़ना नहीं चाहिए, और कभी हो जाता है बाई चांस तो भी आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को सॉरी बोल के वो सॉल्व कर लेना है, सॉर्ट आउट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पोएम हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया है पोएम में क्या है, ठीक है। और यहाँ पे पोएट जो है वो कौन लिखा है, पोएट का नाम क्या है, इलन और फर्जियन, ठीक है, उनका नाम, पोएट का नाम, नेम है। अब यहाँ पे है एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा ही है, क्या है, नंबर 1 में विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस
फ्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेसेस। तो यहाँ पे आपको पार्टनर के साथ ट्राई करना है, गेस करना है मीनिंग जो अंडरलाइन करके दिया है उसका मीनिंग आपको गेस करना है और ये आपके पार्टनर के साथ गेस करना है। नंबर वन में एंड सम हाउ वी फेल आउट और द आफ्टरनून टर्न बैक, फेल आउट और टर्न बैक अंडरलाइन करके दिया है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज है उसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये है आंसर, ठीक है, आपको ये आपके टेक्स्ट नोटबुक में लिखना है, कॉपी करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का जो भी लेसन आएगा, ठीक है, वो आपको जो भी एक्सरसाइज है वो आपको नोट में कॉपी करना है और वर्क बुक का जो भी लेसन है एक्सरसाइजेस है वो आपको वर्क बुक में लिखना है। वर्क बुक का काम जो है वो नोट में नहीं लिखना है। अगर टीचर बोलेंगे प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक का नोट में लिखो तो ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा फेल आउट का मतलब वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, फेल आउट मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, फाइट वी क्वेरल मतलब क्या है आएगा, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो मतलब बहस करना, फाइट करना और वी क्वेरल। नेक्स्ट है द आफ्टरनून टर्न बैक, टर्न बैक का मतलब है द आफ्टरनून वॉज रन इट द मूड गॉट स्पॉइल्ड, ठीक है, मतलब स्पॉइल्ड हो जाता ना, बिगड़ जाता ना मूड, ऐसा दोपहर के बाद झगड़ने हो गया, झगड़ खत्म हो गया, फिर दोपहर के बाद जब अंधेरा हुआ तब क्या हो गया, मूड जो है एकदम बिगड़ गया। नेक्स्ट है रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट दिस लाइन्स मीन। अभी यहाँ पे लाइन्स है उसको आपको आपके पार्टनर के साथ वो मीनिंग जो है पोएम से जो लाइन लिया है, लाइन दिया है वहाँ पे आपको मीनिंग डिस्कस करना है। देखो ये वाला 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या है, वन थिंग लेड टू अनदर, तो क्या है, वन इवेंट कन्वर्सेशन बिकेम द केस ऑफ अनदर वन, ठीक है। नेक्स्ट टू द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, तो क्या है, द क्वेरल स्टार्टेड ओवर अ स्मॉल मैटर मतलब स्लाइट मतलब छोटा सा मैटर है, ओके, थोड़ा सा ही, कुछ नहीं, मतलब ऐसे स्मॉल मैटर से शुरू हुआ था, शुरुआत मतलब छोटी सी बात से शुरू हुआ था स्लाइट। और वन थिंग लीड टू अनदर मतलब एक दूसरे से के साथ ब्लेम देना है ना, कोई भी कन्वर्सेशन ऐसे बहस करते हैं ना, बातचीत करते हैं ना दूसरे से, तो वो मतलब अपने आप वो बोला है कि मेरा कसूर है, वो बोला है कि तेरा कसूर है, ऐसा सब कन्वर्सेशन करते हैं ना वो। नेक्स्ट थ्री द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रांग हो जाता है, ये लाइन का मीनिंग्स क्या है, बाय द एंड द फाइट बिकेम स्ट्रोंगर मतलब लास्ट में एंडिंग में जो फाइट है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट फॉर द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक का लाइन का मतलब है दोपहर के बाद जब ब्लैक हो जाता, अंधेरा हो जाता है वो, द आफ्टरनून वॉज रन इट बाय आफ्टरनून द मूड वॉज स्पॉइल्ड, आफ्टरनून के बाद दोपहर के बाद जब अंधेरा हो गया तब मूड जो है एकदम स्पॉइल्ड हो गया। थम्पेट मी ऑन द बैक, थम्पेट मी ऑन द बैक लाइन के मतलब है पोएट्स ब्रदर पैटेड द पोएट ऑन हर बैक, पोएट्स के जो जिन्होंने लिखा है ये पोएम उनके जो भाई है उन्होंने पीछे आके थपथपाए, है ना। नेक्स्ट थ्री में है डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। तो यहाँ पे दिया है आपको रिसेंटली एकदम आपके भाई या आपके बहन या आपके फ्रेंड में से किसी के साथ भी आपका झगड़ लड़ाई हुआ, क्वेरल हुआ, तो वो लड़ाई जो है वो किस वजह से स्टार्ट हुआ मतलब शुरुआत कैसे हुआ और किस लिए हुआ है, ठीक है, और एंडिंग में क्या हुआ है, कैसे ख़त्म हुआ, ये आपको लिखना है। मतलब रिसेंटली अगर आपके भाई बहन फ्रेंड के बीच में अगर क्वेरल हुआ तो, लड़ाई हुआ तो उसका घटना आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, ये भी आप कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, या आपके बीच में अगर कभी भी आपके साथ ऐसे भाई बहन के साथ फ्रेंड के साथ ऐसे लड़ाई हुआ रिसेंटली तो वो भी आप लिख सकते हो, उसका स्टार्ट कैसे हुआ,
और किस तरह से मतलब शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ और एंडिंग में क्या हुआ, वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया है, लास्ट वीक आई हैड अ फाइट विथ माई एल्डर सिस्टर, सी हैड टेकन माई फेवरेट पेंसिल फ्रॉम माई बैग विदाउट आस्किंग मी। तो लास्ट वीक गए हफ्ते मेरा जो बहन है, बड़ी बहन है, उसके साथ मेरा फाइट हो गया था। किस लिए? क्योंकि उसने क्या किया, मेरा जो फेवरेट पेंसिल है वो मेरे बैग में से मुझे पूछे बगैर ले लिया था। तो ऐसे ही शुरुआत में तो क्विरल तो अपने भाई बहन फ्रेंड के बीच में ऐसे ही होता है ना, स्मॉल मैटर से ही शुरू होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, कब जाके वो हमें भी पता नहीं चलता है। ये तो नॉर्मली है, कॉमन सी बात है ना, सभी घर में होता है। When I came to know, I snatched the pencil from her. फिर मुझे मतलब मैं ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे है। फिर जब मुझे पता चला कि उसके पास है, my mother so scolded me as my sister has started crying. फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला, scolded किया और मेरी बहन जो है वो crying करना शुरू कर दिया जब मुझे पता चला कि उसके पास है पेंसिल। तब मैंने मम्मी को बोला और मम्मी ने मुझे समझाया और मेरी बहन ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। सी एक्सप्लेन टू मी दैट इट इज राइट टू शेयर थिंग विथ योर सिबलिंग एंड रॉन्ग टू स्नैच थिंग फ्रॉम समवन। तो एक्सप्लेन किया कि वो राइट है और सभी जो चीज़ें शेयर करना चाहिए, है ना, सबके साथ, एक दूसरे के साथ कोई भी चीज़ जो है वो शेयर करना चाहिए। सी ऑल्सो टोल्ड मी नॉट टू बी फायरसली पॉसेसिव अबाउट माई थिंग्स। माई मदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन टू माई सिस्टर दैट सी शुड नॉट ओपन माई बैग विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। फिर मेरी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया, मेरी बहन को, कि उसको पूछे बगैर, इन्फॉर्मिंग मतलब इन्फॉर्म किया बगैर उसकी बैग में, उसको बैग ओपन क्यों किया। वी बोथ लर्नड आवर लेसन्स, वी हग्ड ईच अदर एंड अपोलोजाइज टू ईच अदर। फिर बताए, मम्मी ने समझाए, फिर हमें ऐसे समझाए कि हमें, हम साथ में मिलके लेसन करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, हम एक दूसरे को हक करते हैं। तो मम्मी ने बोला, समझाए, फिर हम एक दूसरे से फिर क्या किया, पढ़ाई किया, हक के एक दूसरे को हक किया, फिर वो ख़त्म हो गए वहाँ पे, है ना, एक दूसरे पर अपोलोजाइज किया, फिर हम लोग वो झगड़ना मतलब क्विरल करना बंद कर दिया, वो हमारा ख़त्म हो गया, एंडिंग हो गया, ठीक है। तो मम्मी ने समझा, एक्सप्लेन किया, तो हम लोग एक दूसरे पे हक किया, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे मोटे घर में तो मतलब भाई बहनों के बीच में होता है, फिर खत्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पोएम जो है, चैप्टर क्वेरल कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे है, तो वीडियो हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।